और विप्रलम्भ का अर्थ होता है बिजोग। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी बिजोग रस का ही ज्यादा आस्वादन किया। तो भगवान ने दूर होकर के अपने मिलने का उपाय बता रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहे हैं बहुत अच्छा, कि मैं जब रास विहार कर रहा था, बांसुरी बजाया, तो कुछ ब्रज गोपियों को मेरे पास आने का अवसर नहीं मिला। घर के लोग किवाड़ में बंद कर दिए, बाहर से सांकल लगा दिए, तो उनको मेरे पास आने का अवसर नहीं मिला। तो वे विरह की भावना से इतना मेरा गाढ़ चिंतन की, इतना गाढ़ चिंतन की कि उन्हें स्पिरिचुअल देह मिल गया, दिव्य देह मिल गया, स्वरूप वो मेरे पास पहले आ गई। जो गोपियाँ रासलीला में भाग ली थी, पहुँची थी, उनसे भी पहले ये लोग भगवान कृष्ण के पास पहुँच गए। तो अब तक गोपियों को इस बात का बड़ा शोक था कि हमारी वो सखियाँ नहीं आ पाईं, घर में बंद कर दी गई, उसके लिए बड़ा अफसोस था। लेकिन जब भगवान ने कहा कि वे गाढ़ चिंतन की, तो उससे उनका प्राकृत शरीर बंधन समाप्त हो गया और भाव शरीर से वो मुझे प्राप्त कर गए। इस बात से गोपियों को बहुत खुश हुआ कि हमारी सखियाँ प्रियतम श्याम सुंदर के पास आ गई है, आ गई थी रासलीला में। तो भगवान बताए कि इस तरह से तुम चिंतन करोगे, हमेशा समाधि में रहोगी, हमारा मेरा ही चिंतन रहेगा लीला का, रूप का, तो शीघ्र पा जाओगे। एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य ब्रजजोषितः ताऊचु रुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देश गत स्मृति। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे महाराज, इस तरह से प्रियतम आदिष्टम, प्रियतमस्य आदिष्टम उपदेशम आकर्ण्य, प्रियतम के उपदेश को सुन करके ब्रजजोषितः प्रीता प्रसन्न हुई, यह बात सुन करके कि हमारी सखियाँ श्री कृष्ण के पास पहुँच गई थी उस समय, इसे प्रसन्न हुई। तो वे तत्संदेशा गत स्मृति, कृष्ण की स्मृति बहुत अधिक बढ़ गई, या अपने सखियों की स्मृति भी बढ़ी, तो ये सब उद्धव जी से कहने लगे। गोपीजन इस बात से दुखी हुई कि उद्धव जी कह रहे, उद्धव जी के द्वारा भगवान संदेश भेजे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हृदय में रहते हैं, गोपियों को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। हृदय में है, हम इतना रो रही हैं, इतना दुख हो रहा है, फिर भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। हृदय में होते तो हमारे दुख सह नहीं सकते थे, जरूर प्रकट हो जाते। जो पै उद्धव हृदय मांझ हरी, तौपै इति अवज्ञा उन पर कैसे सही परी। तो हमारी इतनी अवज्ञा, इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं जब हृदय में ही हैं? आप सांच बोलते हैं ना, हृदय में है ना। उद्धव जी तो बकाने लगे देख कर। ऐसे दुनिया के लोग सुन लेते हैं भगवान घट घट व्यापी हैं, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। गोपियों तो कोई थोड़ा विश्वास हुआ कि जब भगवान के सखा कह रहे हैं कि कृष्ण हृदय में हैं, लेकिन हृदय में होते हुए भी वे प्रकट नहीं हो रहे हैं, इस पर आश्चर्य हो रहा है। जो पै उधो हृदय मांझरी, तो पै इति अवज्ञा उन पै कैसे सही परी। कैसे हमारी अवज्ञा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। जब वृंदावन में आग लगी थी, दवानल लगा था, तो तब ही दवा द्रुम दहन न पाए। दवा माने दौ। जब वन में आग लगी थी तो एक वृक्ष भी नहीं जला। तो और इस समय सारा शरीर जल रहा है विरह में,
सुंदर श्याम निकस उड़ते हम शीतल क्यों न करी। हमारा शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है, यहाँ से निकल करके खुद क्यों नहीं भागे। अगर हृदय में होते तो इतना ताप कैसे सह सकते हैं। विरह का इतना बड़ा ताप है, हमारे ताप पूर्ण हृदय में कैसे भी हैं, वहाँ से भाग क्यों नहीं गए और बाहर निकल करके हमें शीतल क्यों न करिए, हमको क्यों नहीं शीतल कर रहे हैं। उस समय इतनी कृपा किए कि एक वृक्ष भी नहीं जला वृंदावन में, द्रुम भी नहीं जला, और इस समय हमारा देह जल रहा है, इतना निकट है। नहीं नहीं, कृष्ण हृदय में नहीं, और हृदय में होते तो इतनी वर्षा हो रही है हमारे आँखों से, ये वास्तव में इंद्र वर्षा कर रहा है। इंद्र रिसाय बरस नयनन मग, हमारे नेत्रों के रास्ते से इंद्र वर्षा कर रहा है। घटतन एक घड़ी, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए भी वर्षा, आंसू की वर्षा रुक नहीं रही है। भींजत शीत भीत तन कांप, हम भींग रही हैं रो रो करके, और ठंडा से शरीर कांप रहा है जल गिरने से। रहे गिर क्यों न धरी, ये इतना निकट है तो क्यों नहीं गोवर्धन धारण करते हैं। उस समय तो इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए थे, और इतना हम पर वर्षा हो रही आंसू की और शरीर कांप रहा है, थर थर कांप रहे हैं, तो फिर गिरी क्यों न धरी। उस समय इंद्र वर्षा कर रहे थे, थोड़े से दुख की संभावना देख करके हमारे प्रियतम पहाड़ उठा लिए, गोवर्धन उठा लिए, और इस समय हम इतना दुखी हैं, हम भींग रही हैं, शरीर कांप रहा है, फिर भी क्यों नहीं प्रकट होते। करकम कन दर्पण ले दो अब यही अनख मरी। प्रियतम श्याम सुंदर के उस व्यवहार को देख करके इस व्यवहार को कितना क्षीण हो गई है। हमारे हाथ की चूड़ी बिल्कुल ढीली पड़ गई है, हमारी कलाई बिल्कुल पतली हो गई है। कंकन दर कर कंकन दर्पण ले दो, हम हाथ में दर्पण लेकर के देखती हैं अपने मुख को, कितना मुख दुबला हो गया है हमारा, फीका हो गया है, और कंकड़ देखती हैं तो कंकड़ हाथ से निकल रहा है, चूड़ियाँ बिल्कुल ढीली हो गई हैं। कर कंकन दर्पण ले दो अब यही अनख मरी, हम तो दर्पण देख करके कृष्ण के विरह में इतना रोई हैं और इतनी दुबली हो गई हूँ कि इसको देखती हूँ और हाथ को पतला देखती हूँ, तो इसी अनख अनख मतलब अयोग्य बात को अर्थात क्रोध से हम मर रहे हैं। कभी प्रियतम हमारा मुंह देखते तो वे यहाँ से जाते ही नहीं, अवश्य हमको सुखी करते। कर कंकन दर्पण ले दो अब यही अनख मरी, ये तो मान सुर सुन जोग जो बिरहिन बिरह जरी, बिरह धरी जरी। हे उद्धव, आप इस पर विश्वास कीजिए। एक बात मैं कहती हूँ, आप विश्वास कीजिए कि आपका यह योग हमारे लिए नरक है। भले विरह भरा रहे श्याम सुंदर का, हम विरह में मरेंगे ठीक, लेकिन आपका योग बिल्कुल बेकार है। जो पाए उद्धव हृदय मांझ हरी, यदि हृदय में होते तो जरूर प्रकट हो जाते। इसको कोई भक्त गाइए। अरे उद्धव हृदय मांझ हरी, जो पाए
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य ब्रजजोषितः ता ऊचु रुद्धवम प्रीता तत्संदेशागत स्मृति। भगवान की परम प्रियतम श्याम सुंदर की बहुत स्मृति आने लगी और श्री गोपियाँ इस प्रकार बोली। ये गोपियों का जो ये उद्गार है, इन्हीं उद्गारों को भक्त कवियों ने विस्तार से कहा है। गोपियाँ कहती हैं, गोप्य ऊचु का अर्थ है गोपियाँ बोली। दिष्ट्या हितो हतः कंसो जदूनाम सानुगोघ कृत दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थ कुसल्यास्ते च्युतो धुना। बहुत अच्छा है, बहुत भाग्य की बात है कि कंस मारा गया, बहुत भाग्य की बात। जदवंशियों का भाग्य या ब्रजवासियों का या हम लोगों का, सबका भाग्य है, पूरे संसार का बहुत बड़ा भाग्य है कि अहितः शत्रु कंस हत, जो जादवों का वैरी था कंस वो मारा गया। जदूनाम अहित, जादवों का अहित, जादवों को बहुत सताया था भगवान के जन्म के पहले, बहुत दुखी थे। बाद में भगवान ने सबको बुलाया, कंस का वध करके तब जादवों को बुलाया, जहाँ तहाँ वे भाग गए थे। बहुत अच्छा हुआ जदूनाम अघकृत, जादवों पर अत्याचार करने वाला पापी कंस मारा गया, ये बहुत अच्छा हुआ। इसका अर्थ है कि समाचार में उद्धव जी ने बताया, दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थैर कुसल्यास्ते च्युतोधुना।
या वो खबर तो कंस के वध की बात तो स्वयं नंद बाबा आदि नहीं आकर के बताया होगा ब्रज में। बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि इस समय श्री कृष्ण मथुरा में ही हैं, मेरे प्रियतम मथुरा में ही हैं। बहुत अच्छा है और कुशली आस्ते कुशल से हैं और अपने बंधु बांधवों के साथ हैं, मर्यादों के साथ हैं। आप ते लब्ध सर्वार्थ है, आप्त का अर्थ है कि वे जो जदुवंशी इनको अपना मानते हैं तो अपने संबंधियों के साथ, जिन संबंधियों को सब कुछ मिल चुका है, जो लब्ध सर्वार्थ हैं, उनका मनोरथ पूरा हो गया है, वे अच्छे से हैं और सुख से हैं, और सुखी जादवों के बीच में श्री कृष्ण कुशल से हैं, बहुत अच्छा। अच्युत जो अच्युत हैं, जिससे प्रेम करते हैं तो उसको कभी छोड़ते नहीं, ये अच्युत का स्वभाव। क्या करें, वसुदेव जी उनको कहते हैं कि तुम मेरे भी पुत्र हो इत्यादि कह करके लोग बांध लिए हैं, तो इसीलिए च्युत नहीं हो रहे हैं। वसुदेव जी या जादवों के चंगुल से छूट नहीं रहे हैं, च्युत नहीं हो रहे हैं, इसलिए अच्युत हैं अधुना इस समय। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर कुशल से हैं, अपने समस्त संबंधी जादवों के बीच में हैं, वे भी सुखी हैं और ये भी सुखी हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत भाग्य की बात। तो अब कृष्ण के बारे में डायरेक्ट पूछती हैं, नहीं रहा गया था, कुशल की बात सुन करके खुश हुई, अब पूछती हैं। कचित गदा ग्लज सौम्य करो तिपुरजोषिताम प्रीतिम न स्निग्ध सब बीड़ा हासोदारे क्षणार्चित। हे सौम्य, हे उद्धव जी, आप निष्कपटता की मूर्ति हैं, चंद्रमा जैसा सोम जैसा आपका शीतल स्वभाव है। हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बोले ही नहीं हैं झूठ, जो झूठ ना बोले वो है सौम्य। आप में धूर्तता बिल्कुल नहीं है। तो एक बात बताइए, श्री कृष्ण हम लोगों से जैसा प्रेम करते थे वैसा मथुरा की स्त्रियों से करते हैं कि नहीं, यही पहला समाचार पूछे हैं कृष्ण के बारे में, ये पूछ रहे हैं। कचित गदाग्रज, गद के बड़े भाई वसुदेव जी के एक पुत्र का नाम गद है, लिखा गया भागवत में, देवकी जी से नहीं, उनकी और माताओं से, मौसी से। तो हमेशा श्री कृष्ण को गदाग्रज कहा जाता था, गद का अग्रज श्री कृष्ण। श्याम सुंदर, करोति पुरजोषिताम प्रीतिम, प्रीतिम करोति, कैसी प्रीति, नह नह का अर्थ अस्मासु योग्याम प्रीतिम, जो प्रेम हमसे करना चाहिए, हमसे करते थे वैसा ही प्रेम क्या पुरजोषिताम करोति, पूर्व का अर्थ मधुपुरी श्री मथुरा, तो मथुरा की स्त्रियों से वैसा ही प्रेम करते होंगे ना, अथवा प्रश्न है कि वैसा ही प्रेम करते हैं क्या मथुरा की स्त्रियां, बड़ी चतुर हैं वो, स्निग्ध सबृढ़ हास, बहुत सुंदर ढंग से वो हंसती होंगी, उनके हंसी में स्नेह होगा, स्निग्ध सुखी हंसी नहीं, स्निग्ध हंसी हंसती होंगी और थोड़ी लज्जा के साथ और उदार आनंद देने वाली चितवन। चितवन द्वारा, हंसी द्वारा श्री कृष्ण अर्चित होंगे, अर्चित होते होंगे ना,
मथुरा की स्त्रियों के स्निग्ध लज्जा भरी हास और उदार चितवन से श्री कृष्ण का सम्मान होता होगा और चित श्री कृष्ण की पूजा करती होंगी मथुरा की स्त्रियाँ। कैसी पूजा? देखकर मुस्कुराती होंगी कृष्ण को, देखती होंगी, हंसती होंगी और कृष्ण अवश्य उनके हंसी को, चितवन को और उनके साथ वार्तालाप करने में आनंद पाते होंगे। श्री गोपीजनों को ये मिथ्या सब कुछ हो रहा है, भगवान किसी भी स्त्री से वहाँ बात नहीं किए, किसी पर देखे भी नहीं। अब श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि मथुरा के राजपथ पर भगवान जा रहे थे, कितनी स्त्रियाँ क्या क्या मनोरथ कर रही हैं। रहतन त राख लेती मन के अटरिया में, आपस में बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन श्री कृष्ण अभी किसी स्त्री से खास बात नहीं किए। पर श्री गोपीजनों का यह भाव है, वो अपने भाव की छाया सभी स्त्रियों में देखती थी, अवश्य श्री कृष्ण पर भी देखती होंगी और श्री कृष्ण भी उनको देखते होंगे मुस्कुरा करके। ये भी प्रश्न ही एक प्रकार का हो सकता है, क्या मथुरा की स्त्रियां उन पर मुस्कुरा करके देखती हैं? चूंकि ये प्रियतम के सखा है, कृष्ण में और उद्धव जी में भेद नहीं है, इसलिए इतना फ्रैंक बात कर रहे हैं। अब साथ साथ रहते हैं तो जरूर आप तो देखते ही होंगे कृष्ण किधर देख रहे हैं, किसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो मथुरा की स्त्रियों को देख करके वे हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और तिरछे चितवन से देखते होंगे, और वे स्त्रियाँ भी इनको देख करके हंसती होंगी। और हम लोगों से जैसे प्रेम करते थे वैसे क्या मथुरा की स्त्रियों से करते हैं? जरूर करते होंगे, अपने आप भाव में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, करते ही होंगे। तो कोई दूसरी सखी कहती है, उद्धव जी ने जैसे नकारा, नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा होगा, तब कहती है दूसरी सखी कहती है, कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वर्जोषिता नानुबद्धेत तद्वाकैर विभ्रमेश्चानुभाजितः। ये तो हो ही नहीं सकता है कि श्री कृष्ण उनके बात मीठी मीठी बातों में और चितवन आदि में फंस नहीं गए होंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कैसे नहीं फंसे? कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वर्जोषिता, श्री कृष्ण श्रेष्ठ सुंदरी ज्योति स्त्रियों के लिए बड़े प्रिय हैं। प्रियश्च वर्जोषिता, श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए बड़े प्रिय हैं, यह वर का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ है सुंदरी ज्योति। सुंदरी और ज्योति मथुरांगनाओं के हाव भाव से उनके विभ्रम का अर्थ है उनके चितवन से, हंसने से, और खास करके जब श्री कृष्ण बोले होंगे, नहीं ये स्त्रियां जब श्री कृष्ण से बात की होंगी तो उनके मीठी मीठी बात से और उनके चितवन आदि से क्यों नहीं अनुबद्धेता, नहीं बंधे होंगे ऐसा तो मान ही माना नहीं जा सकता। अब ये जानते हैं जैसे हमारे वाक्य बोलने से और हमारे चितवन से श्री कृष्ण हमारे बस में रहते थे, वैसे ही मथुरा की स्त्रियाँ उनको अपने बस में कर ली होंगी, इसीलिए तो नहीं आते हैं। कहाँ भगवान अपने पढ़ाई लिखाई में पड़े थे और माता पिता के सुख के लिए रह रहे थे, तो ब्रज की स्त्रियां भी अनुमान कर रही कि वो स्त्रियों के चक्कर में फंस कर नहीं आ रहे हैं। अनुभाजित, भाजन का स्वागत,
उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया होगा, खूब हंस हंस करके मुस्कुरा करके देखती होंगी और बातें करती होंगी, क्योंकि श्री कृष्ण रति विशेषज्ञ हैं। रति का अर्थ होता है प्रेम विशेष, कृष्ण में रत हो जाना। वास्तव में श्री कृष्ण से कौन कितना प्रेम करता है इसको श्री कृष्ण सब समझते हैं, और रति विशेषज्ञ उनको कहते हैं, प्रेम के स्पेशलिस्ट हैं भगवान, विशेषज्ञ। श्री कृष्ण सब समझते हैं कि कौन उनसे प्रेम करता है, तो उसके प्रेम का बदला अवश्य चुकाते हैं। भगवान प्रीति के विशेष ज्ञाता है, तो क्यों नहीं वे मथुरा के स्त्रियों के हाव भाव में बंध जाएंगे। तो इसके बाद दूसरी सखियां बोलती हैं, उद्धव जी बैठे हैं सभा में और गोपियां भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह से पूछती हैं। वे मथुरा के स्त्रियों से अवश्य प्रेम करते होंगे, वैसे तो हमारे प्रियतम धीर गंभीर हैं, लेकिन वो स्त्रियां धीर गंभीर नहीं रहने देंगी। वो सिटी में रहने वाली स्त्रियां बहुत चतुर हैं, जब गांव की स्त्रियों के चक्कर में कृष्ण इतने पड़े थे यहाँ ब्रज में, तो बाप रे बाप, वो पढ़ी लिखी स्त्रियां युवती किस तरह से कृष्ण को बांध ली होंगी, अपने भाव का आरोपण सब जगह कर रहे हैं। तो दूसरी सखियां बोलती हैं, अपिस्मरति नः साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्य स्वैर कथांतरे। हे साधु, हे निष्कपट उद्धव जी और हे सत्यवादी, आप ये बताइए, पुरस्त्रीणाम गोष्ठी मध्य, जब मथुरापुर की स्त्रियों के गोष्ठी में श्री कृष्ण कभी बैठते हैं रहते हैं, तो क्या कभी न स्मरति, मथुरा के स्त्रियों की सभा में क्या हम लोगों की कभी याद करते हैं? वैसे तो याद नहीं करते होंगे, लेकिन सभा में जब हुए होते होंगे तो शायद स्त्रियों को देख करके कभी हम लोगों की याद करते होंगे कि ब्रज में भी हमारा कोई संबंध था कुछ गोपियों के साथ। क्या हमारी याद करते चर्चा करते हैं? गोविंद गोकुलेंद्र जो गायों को चराए यहाँ पर और गायों की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन भी उठा लिए, गोविंद उसी समय नाम पड़ा था भगवान का, इंद्र ने नाम दिया, तो इसीलिए गोविंद कह रहे हैं, जो हम लोगों से इतना प्रेम करते थे पहले, हमारे लिए गोवर्धन उठा लिए। तो क्या कभी प्रस्तुते, कोई चर्चा चलने पर, चर्चा चलने प्रस्तुत होने पर कोई चर्चा करे कि यहाँ की स्त्रियाँ ऐसे होती हैं, यहाँ की स्त्रियाँ ऐसे होती हैं, मान लीजिए मथुरा की स्त्रियाँ आपस में बात करें, तो क्या कभी श्री कृष्ण को उस समय हम लोगों की याद आती है? स्त्रियों की बात चलती है तो स्वाभाविक है, बात होती जाएगी, ये नेता ऐसा है, ये नेता ऐसा, जब नेताओं की बात होने लगती है तो चर्चा करता ही है आदमी, है ना? जैसी बात होती है इसको प्रस्तुत कहते हैं, कोई प्रस्तुत प्रसंग आ गया तो प्रसंग आने पर क्या श्री कृष्ण हमारी याद करते हैं? गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम, वैसे तो हम तो ग्राम्या, हम तो गांव की हैं, अपने में हीन भावना कर रहे हैं गोपियाँ, हम ग्राम्या गांव की हैं। स्वैर कथांतरे का अर्थ है कि कभी जब स्वच्छंद चर्चा चलती है, कथा कहते हैं कृष्ण, कोई बात करते हैं,
कि यहाँ की ऐसी सुंदरी स्त्री है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो उस संदर्भ में क्या हम लोगों की याद करते हैं? अरे वो सभा में बैठे ही नहीं याद करने की।